करें। ओके नमस्कार, ठंडे कैसे तो रहे आप थाली दबा में? लोग थाली दबा के गर्म होते हैं, आप ठंडे पड़े हुए बस। वाह वाह, नमस्कार। आपकी आवाज पर हिंदुस्तान सुन रहा है, पता आपको है? अगर हिंदुस्तान लोग अगर सुन रहे हैं तभी तो थाली लाएंगे। आपके पास आनी चाहिए ना। हिंदुस्तान नमस्कार बजा ले। नमस्कार। तो पिछले तीन दिन से थाली लेने हो बजा ले घूमने का कहीं तो घूम के आए होंगे आप लोग, कहीं तो देख के भी आए होंगे और कहीं जगह ऐसे में गेम जाते रहना चाहिए था, हम भी गए होंगे पता है। चलो कोई बात नहीं, इसलिए थाईलैंड बना हुआ है आगे ऊपर है, समुद्र बना हुआ है, समुद्र बीच बना हुआ है, कोरल बना हुआ है और समुद्र के अंदर बना हुआ है, ऊपर बना हुआ है, सब कुछ बना हुआ है। आप सभी जगह एंजॉय लेके आए होंगे मुझे पता है। और आप क्या जानना चाहते हो? आवाज नहीं आ रही यार आपकी। अच्छा नेपाल, नेपाल जाना आपको। अच्छा यार नेपाल जाने आवाज ऐसी चाहिए, बुलंद आवाज चाहिए। यस सर, चलना नेपाल। चलोगे नेपाल? जानना चाहते हो पक्का कि नेपाल कैसे चल रहा है? दोस्तों अगर आप जानना चाहते हो नेपाल कैसे बन रहा है तो मैं आपको 100% आपका साथ दूंगा इस पूरी अगले एक घंटे डेढ़ घंटे ट्रेनिंग के अंदर, बताऊं नेपाल कैसे अचीव किया जाता है, कैसे आम इंसान है, कैसे गरीब इंसान बड़ा बनता है। यस सर। ओके, हम तो आज ये जो काम कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं जाने अनजाने के अंदर, कैसे आए हमें नहीं मालूम, किसी ने प्लान दिखाया, किसी ने समझाया, किसी ने कंफ्यूज किए होंगे, सबका अपना अपना तरीका है आने का। ये सर, किसी ने रिलेशन में आए होंगे, किसी बताने पाए होंगे, किसी अंजाम के बताने पाए होंगे, किसी प्रोडक्ट यूज किसी दूसरे मुंह सुना होगा, फिर पैसे के लिए आया होगा, कोई जिंदगी के लिए आया, कोई लाइफ के लिए आया, सब अपना अपना तरीका आने का। दोस्तों ऐसा ही एक तरीका मेरा भी था, जानना चाहते हो? पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ कि कैसे क्या मेरा तरीका था, कैसे कैसे इस इंडस्ट्री में आया, कैसे रास्ते पे आया, कैसे इस प्लेटफॉर्म पे आया, कैसे आज यहाँ तक पहुंचा, जाना चाहते हो? दोस्तों नाम मेरा दलीप सिंह राठौर है, बेसिकली रास्ता हूँ जयपुर से बिलोंग करता हूँ, हालांकि जयपुर मेरा जन्म नहीं हुआ, जन्म मेरे छोटे से गांव में हुआ, मेरा नागौर डिस्ट्रिक्ट में डिंडोरा तहसील पड़ता है, छोटा सा गांव है, गांव से भी दो किलोमीटर दूर जहाँ बोलते हैं ना रास्ता बोलते हैं ढाणी है, रास्ते पे लोग बैठे यहाँ पे समझ जाते हैं, एकांत में घर हो जिसका गांव से भी दूर हो, वहां मेरा कच्चे मकान में जन्म हुआ है, कोई मतलब गाँव की बातें नहीं है, रियलिटी में लाइफ की है। तो ठीक है, जैसा क्योंकि कहावत बनाई गई है ना कि किस घर में जन्म लेना हमारे हाथ का नहीं है, बोलते हैं जन्म परण और मरण, जन्म परण और मरण हमारे हाथ में नहीं। कहां जन्म होगा, अमीर घर में होगा, गरीब घर में होगा, किसी रईस घर में होगा, अम्मानी घर में होगा, झोपड़ी में होगा, महलों में होगा, मालूम नहीं, ऊपर वाले की मर्जी है। और कोई तो इंसान गरीब में कोई अमीर में जन्म लेते हैं लेते हैं, ऐसे ही जन्म के मतलब परण, परण का मतलब शादी कहां होगी, एक नया नई लाइफ के साथ होती है शादी के बाद में, नई जिंदगी शुरू होती है, शादी किसके साथ होगी, कहां होगी मालूम नहीं। और ऐसे तक तीसरी लाइफ है मरण, मरण मतलब डेथ, आखिरी सांस कब आई मालूम नहीं है। कहते हैं कि डेथ ऑफ बर्थ सबको पता है, डेथ ऑफ बर्थ सबको पता है, पर डेथ ऑफ डेथ किसी को भी पता आज आप हम सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, भगवान ना करे दिन आ जाए कल का स्वरूप देखे ना देखे मालूम नहीं। ऐसे हो ठीक है, ये दुनियादारी चल रही है सब अलग बात है, पर ये मालूम नहीं, ये तीन चीजें हमारी लाइफ में पता नहीं है कि हम कहाँ जन्म लेंगे, कहाँ परण होंगे, कहाँ मरण होगा मालूम नहीं। तो ऐसे दोस्तों मेरा भी आम परिवार में जन्म हुआ, किसी को मालूम नहीं कि ऐसा होगा तो ऐसा हो गया। फिर क्या होता है, एक आम इंसान घर में जन्म लेता है तो जैसे घर में इंसान रहता है, जैसे माहौल में रहता है, जैसा एटमोस्फेयर उसके परिवार के द्वारा उसको मिलता है, बड़ा होकर इंसान वैसा ही बन जाता है। आपने हमारे समाज में देखा होगा, सब लोग अभी इस समाज से आएंगे, एक बच्चा ने किसी डॉक्टर घर में जन्म लिया तो बड़ा होके डॉक्टर बन जाता है, कोई बच्चा किसान घर में जन्म लिया बड़ा होके किसान बन जाता है, कोई बच्चा किसी फिल्म स्टार जन्म लिया तो बड़ा होके कोई फिल्म स्टार, कोई किसी एडवोकेट घर में जन्म लिया तो बड़ा होके वो भी एडवोकेट,
यानी जैसे घर में जन्म लिया वैसा ही। तो मेरा जो परिवार था वो एक आर्मी वाला, मेरे दादाजी थे वो आर्मी में थे, मेरे पिताजी थे वो भी आर्मी में थे। दोस्तों मुझे आर्मी वाला माहौल मिला और मैं धन्यवाद बोलता हूँ थैंक्स प्रभु कि मेरे परिवार के साथ मुझे विदेश सेवा करने का मौका दे दिया। किस नसीब में, नहीं तो बहुत सारे लोग जा भी नहीं पाते, देश सेवा नहीं कर पाते, पर हमें मौका मिला। पर कल मौका मिला हम चौका नहीं मार पाए, चौका का मतलब लाइफ चेंज नहीं कर पाए। ठीक है हमारे नॉर्मल परिवार में जन्म लिया, वहां पे आर्मी वाला माहौल था, गरीबी का माहौल था, तो गवर्नमेंट जॉब का बड़ा इज्जत था, मान था, सम्मान था, वो एक अलग दुनिया है। तो वहां पे हमें जैसा माहौल मिला हम अपने अपने जैसे माहौल मिला वैसा हमने करके दिखा दिया। उसके बाद जिंदगी शुरू होती है नौकरी वाली, और ऐसे करते करते मेरी जिंदगी के 12 साल बीत जाते हैं। बीच में परण भी हो जाता है, शादी भी हो जाती है, 12 साल बीत जाते हैं। 12 साल के बाद एक शख्स मेरी जिंदगी में आता है। उस शख्स आने के बाद मुझे एक आईना दिखाता है, आईना समझते हो, लाइफ दिखाता है, जिंदगी दिखाता है कि बेटा तू इसके लिए नहीं बना, तू बहुत कुछ कर सकता है। जानना चाहते हो उस शख्स कौन थे, वो कैसा आईना दिखाना चाहते हो? दोस्तों मैं वो बताऊं आपको, इससे पहले आप मुझे एक स्टोरी शेयर करता हूँ, एक स्टोरी सुनाता हूँ लाइफ की। एक बार क्या होता है, एक जंगल होता है, उस जंगल के अंदर एक शेर का परिवार होता है, एक शेरनी होती है। तो शेरनी प्रेग्नेंट होती है, बच्चे जन्म देने वाली होती है। तो उसी टाइम क्या होता है, कुदरती ऐसा माहौल बनता है कि शेरनी का बच्चा देने का टाइम आता है। उस टाइम माहौल कुछ ऐसा बनता है कि वहां बारिश का तूफान का माहौल बन जाता है। उसी टाइम एक शिकारी भी आ जाता है, वो शेरनी को देख के तीर मारने की कोशिश करता है, तीर चलाता है, और उस टाइम शेरनी को बच्चा देना भी होता है। तो ऐसे माहौल ऐसा हो जाता है कुदरती की, शिकारी का आना, मौसम खराब होना, उधर बच्चा भी होना। तो इस टाइम के अंदर वो शेर भी कैसे जैसे बच्चे को छुप छुपा के जन्म देके झाड़ी में छुपा के निकल लेती है वहां से, क्योंकि क्या पता मेरे अगर तीर लग गया तो इस बच्चे को कौन संभाले, कौन पालेगा। तो वो शेर भी वहां से उस टाइम निकल के बच के निकल जाती है, पर वो बच्चा वहीं पे रह जाता है झाड़ियों के अंदर। इसी दौरान एक भेड़ों का झुंड आता है, और झुंड के अंदर काफी सारी भेड़ होती है, उधर से गुजरते हैं। तो वो बच्चा जो छोटा थोड़ा बहुत चलता है, और उस झुंड के अंदर साथ वो भी निकल जाता है, यानी कि भेड़ों के नीचे वो भी निकल जाता है। तो छोटा बच्चा था वो, पैदा हुआ था, उसे नहीं मालूम कि मैं शेर हूं, मैं क्या हूं। वो तो बस उस माहौल में, मतलब उस भेड़ों के झुंड में वो निकल जाता है। आगे निकलता है तो वो भेड़ों के साथ में पलता है, बढ़ता है, भेड़ों के तरह वो मिमियाता है, वैसे वो घास फूस खाता है। उसे नहीं मालूम कि मैं क्या, थोड़ा बड़ा भी हो जाता है, कोई उसे डरते भी नहीं है, कोई उसे समझते भी नहीं है कि तू शेर है, उसे कुछ नहीं मालूम। ऐसे में वो शेर थोड़ा बड़ा भी हो जाता है। पर एक दिन ऐसा जिंदगी में आता है 12 साल के बाद, दूर बैठ के कोई शेर धाड़ मारता है जोर से, घाट मारता है। तो क्या होता है, जो भेड़े थे वो भी डर के भागने लग जाते हैं, जब भेड़े डर के भागते तो शेर का बच्चा भी इनके साथ में भाग लग जाता है। तो शेर का बच्चा भी साथ में भागता है, तो वो शेर जो भाग रहा था उसको देखा कि ये शेर का बच्चा ये इनके बीच में क्या कर रहा है, ये भी भाग रहा है। वो बाकी को कुछ नहीं समझता, उस बच्चे को पकड़ देता है, बस तू कहां भाग रहा है, तू तो शेर है, तुम मिला तो मैं तुम्हें कहा शेर, मैं तो बकरी हूं, मैं तो कहा तालाब होता है, उस तालाब उसको डुबो के दिखाता है, देख तू शेर है, शेर तू गलती से वहां भेड़ों के बीच में फंस गया था। तब उसको दिखाई देता है कि मैं शेर हूं, फिर वो दहाड़ मारता है और फिर अपनी पहचान बनाता है कि मैं शेर हूं। बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि 2012 में मेरी जिंदगी में एक शख्स आए, वो शेर था, उन्होंने मुझे पकड़ा झुंड में से,
और दिखाया है ना, देख तू शेर है शेर। उस दिन मुझे देखा कि मैं पहला शेर होता, मैं कुछ भी कर सकता हूं। मुझे एहसास दिलाया गया कि तू जिंदगी के अंदर गरीब है, आम इंसान है, तू बड़ा इंसान बन सकता है। मुझे आईना दिखाया गया। जब नौकरी मेरी 12 साल की होगी थी, मैं ऑन ड्यूटी की बात कर रहा हूं, पंजाब में मेरी पोस्टिंग थी दोस्तों, वो शेर जिसने मेरी गर्दन पकड़ के मेरे को आईना दिखाया, वो और कोई नहीं, एक बार जोड़ ताली चाहूंगा, वो हमारी कंपनी के सीईओ एंड डी डॉक्टर मिस्टर संजीव कुमार जी। शुरुआत हुई 2014 के अंदर, हमें आने का मौका मिला इस कंपनी के अंदर,
संजीव गुरु जी को हम जानते थे, अपने गुरु को हम जानते थे, हमारे अपने वो रहते ही थे, हमें सिखाया था, हमें बताया था, हमें मालूम था। और सबसे बड़ी बात कि जो मैंने कहा था कि संजीव गुरु जी भी हमारे आर्मी के थे, तो एक बात तो पहले दिन ही तय हो गई थी, अगर आर्मी के लोग कंपनी बना रहे हैं तो कभी गलत नहीं होगा, कभी गलत नहीं होगा, ये बात पहले दिन मालूम है। आज लोगों के मतलब कई कंपनी आती है मार्केट के अंदर, दो दिन चार दिन चलती है, एक दो महीने चलती है, कोई छह महीने, कोई साल भर चलती है, फिर बंद हो जाती है, भाग जाती है, नींद माड़ी बन जाती है, दिक्कत आती है, उनकी मर्जी है। पर हमें मालूम था कि कंपनी बना रहे हैं आर्मी के लोग तो कभी गलत नहीं होंगे और गलत थोड़े देंगे नहीं, तो ये बात पहले दिन मालूम चल गई थी। तो बाकी ये अलग है कि वो कुछ प्रोडक्ट नए थे, हमारी जिंदगी की एक शुरुआत एक नई सिरे से हो रही थी, एक अलग दिशा में हम काम कर रहे थे, बस वो फेलियर का कुछ ज्ञान हमारे पास में था, जो ज्ञान हमारे यहाँ पे काम आ गया, वो फेल हुए तब वो धक्के खाए, धक्के में यहाँ पे समझ गया कि आप धक्के नहीं खाने, गलतियाँ नहीं करनी। और दोस्तों वही कारण है कि एक गरीब इंसान एक अमीर इंसान बन गया सर। आज डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है, नेटवर्क मार्केटिंग जो इंडस्ट्री है, इस बात हम जुड़े हुए हैं, इस परिवार जुड़े हुए हैं, बहुत आसान से बड़ा बन गया, कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। जाना चाहते हो जाना चाहते हो समझना यार आज जिंदगी को ना, मतलब मैं बड़ा सीरियस हो गया हूँ आज आपके लाइफ में, क्योंकि मैंने बड़ा गहराई से दुनिया देखी ना, बहुत नजदीक से देखी जिंदगी, बहुत धक्के खाए हैं, बहुत पापड़ बेले हैं, बहुत मतलब गुजरे इधर उधर से। आज आपको कुछ बातें समझाने वाला हूँ, समझ में आ जाएगी शायद आपके लाइफ में कुछ बदलाव आ जाएगा, नहीं तो फिर वो आयराम गहराम वाली कहानी हो जाएगी। क्योंकि भगवान ने लाइफ दी इंसान उनके जीवन में दिए, वे ट्रेनिंग सोचते मैं हमेशा बोलता हूँ, एक आदमी मौके वाला इंसान दुनिया में कुछ भी कर सकता है अगर अपने औकात पे आ जाए। हम मानते हैं भगवान है, अल्लाह है, वाहेगुरु है, ईसा मसीह है, जो भी हम भगवान या गॉड हम जो बोलते हैं, शक्ति मानते हैं, पावर मानते हैं, जरूर है धरती पे, मैं आपके साथ हूँ। पर एक बार एनालाइज करके देखें कि ऊपर जो शक्ति बैठी है उसने धरती पे कुछ नहीं बनाया है। ये सर जिस ट्रेन में आप बैठ के आए, वो ट्रेन बनाने वाला भगवान था या इंसान था? जिस ट्रेन में आप बैठ के आए, वो ट्रेन बनाने वाला भगवान था या इंसान था? जिस बस में, जिस गाड़ी में, जिस बाइक पे, जिस स्कूल में आप साइकिल चलाते हो, वो बनाने वाला भगवान था या इंसान था? मैं धीरे बोल रहा हूँ, सिस्टमेंट के द्वारा आपकी आवाज तेज जा रही है, आप तक पहुंच रही है, ये सिस्टम इंस्ट्रूमेंट बनाने वाला भगवान था या इंसान था? ये लाइट, ये डेकोरेशन, ये माइक, ये सारा सिस्टम जो बना रखा है, किसने बनाया? इंसान। इंसान के अंदर शक्तियां बहुत है, पर दिक्कत ये बात है इंसान ही गर्दन पकड़ने वाला नहीं है, दिखाने वाला नहीं आएगा कि तू शेर का बेटा है, तू कुछ भी कर सकता है। अगर कोई दिखाने की कोशिश भी करता है ना, सही बात है, कुछ दिखाने की कोशिश भी करता है तो उसको विश्वास नहीं करता, क्योंकि बहुत लंबे समय से हम भेड़ों के झुंड में रह जाते हैं। मतलब आम इंसान की जिंदगी में रह जाए, बचपन से देखे हमें, हमारे माँ बाप ने कभी ये नहीं कहा कि करोड़ रुपए कमा सकते, हमारे समाज ने कभी नहीं कहा कि करोड़ रुपए कमा सकता है, हमारे समाज ने कभी नहीं कहा कि तू विदेशों में घूमने जा सकता है, हमारे समाज ने कहा कि विदेशों में कमाने जा सकता है। यस या नो? पर ये जो बड़े में थाईलैंड है या सिंगापुर है, मलेशिया है, स्विट्जरलैंड है, या फिर लोग जाते तो नहीं घूमने के लिए, ऐसे तो नहीं जाते। अगर नहीं जाते तो फिर ये इंडियन रेस्टोरेंट चल कैसे रहे? हर जगह स्विट्जरलैंड में इंडियन रेस्टोरेंट है, मैंने स्विट्जरलैंड जाके आया था, 10 घंटे की फ्लाइट थी नॉन स्टॉप, दिल्ली से उठे थे हम लगभग 2 बजे और हम सिंगापुर में जब सॉरी स्विट्जरलैंड में जब हमारा ब्रोक हुआ वो रात को 10 बजे हुआ था, 2 बजे पर कंटिन्यू नॉन स्टॉप फ्लाइट थी, तो 12-12 घंटे 10-10 घंटे फ्लाइट में रहना, फिर वो वहां पहुंचना, तो वहां पर भी इंडियन रेस्टोरेंट है, वहां भी सब कुछ है, तो चल कैसे रहे? लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, हम जा रहे हैं नहीं जा रहे अलग बात है, तो लोग तो जा रहे हैं। ऐसे लोग ऐसी बहुत सारी भी कंट्री देखी, जैसे बाद में सिंगापुर देखा, मलेशिया देखा, स्विट्जरलैंड देखा, फ्रांस देखा, नेपाल देख लिया, थाईलैंड वाली ये तो घर जैसा होगा, कितनी बार आ गया यहाँ पे काउंटी नहीं, तो जिंदगी देखने में आगे मिलती है। पर प्रॉब्लम ये है कि ये यहाँ पे लोग सब कुछ होने के बाद में भी बड़े क्यों नहीं बनना चाहते, जाना चाहते? आज बोलो बाबू राज की बात, बिल्कुल तंग वाली बात, कोई मोटिवेशन नहीं, कोई फालतू बात नहीं, जो बड़े क्यों नहीं बनते? एक बच्चा होता है, बच्चा
एक बच्चा जब छोटा होता है ना, घर में जन्म लेता है, पलता है, बढ़ता है, खेलता है, कूदता है, तो उसका बाप और माँ, उसके भाई बहन जो बड़े होते हैं, जो भी उसका परिवार होता है, जो समझदार होता है, वो जिसमें बाप भी मान लेते हैं या माँ मान लेते हैं, जो जैसे कहते हैं बच्चा वैसे ही करता है। ऐसे लोग बच्चा तुझे प्यार हो रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, तुझे अभी इस टाइम खेल रहे हैं, आज तुझे स्कूल जाना है, अब तुझे ट्यूशन जाना है, अब तुझे होमवर्क करना है, अब तुझे ये करना है, वो करना है, ये हमारे पड़ोसी है, ये अच्छे अंकल है, ये बुरे अंकल है, इनसे तुझे बात करनी, इनसे बात नहीं करनी, इस बच्चे ने तुझे खेला, इस बच्चे आपने नहीं खेला, ये सारी बात माँ बाप ही बच्चे को बताते हैं, बताते नहीं बताते। और बच्चा ताजुब की बात है, बच्चा वो सारी बातें मानता भी है। जैसे ही बच्चा बड़ा होता है थोड़े दिनों बाद, यानी कि लगभग मान लो कि जवानी में आता है, लगभग 17 साल की उम्र में आता है, तो बोलते हैं हार्मोन्स चेंज होते हैं बॉडी के, ऐसे तो बदलाव होता है बॉडी के अंदर, तो वो जो बचपन से यहां तक 17 साल की बच्चे ने दूरी तय करी है, माँ बाप ने जैसे समझाया बच्चे ने किया है, जैसे स्कूल में डाला पढ़ाई भी करी है, जैसे सब कुछ वैसे ही किया है, पर जैसे उसके हार्मोन्स डेवलप होते हैं उस बच्चे के अंदर, फिर माँ बाप नजर नहीं आते, माँ बाप दुश्मन नजर आते। ये पारंपरिक बातें, क्या मैं सही कह रहा हूं? Yes. हम भी बुझ रहे हैं, हमारे भी बच्चे ऐसे ही होता ही नहीं होता। Yes. तो वो बच्चा जो बात मानता था यहां तक पहुंचा, बता बच्चा बात मानना बंद कर देता, बोलता है तुम्हें क्या पता, मुझे पूछू काम कैसे होता, कैसे मैं पढ़ा लिखा हूं, मैंने डिग्री ले रखी है, मैं करें बापू ने क्या पढ़ाई करी होगी, बापू ने 10th या 12th पास करी होगी, बच्चे पास में MBA की BBA की डिग्री है, तो उस टाइम पर बात मानना बंद कर दे, वहीं से उसका पतन होना स्टार्ट होता, तो बच्चे को मालूम, उसको मालूम एहसास होता है, ऐसा नहीं भी होता, पर होता है टाइम के बाद, जब उसकी शादी होती है, 25 साल की उम्र गुजर जाती है, उसको अच्छा कोई जो नहीं मिलता है, जो उसके जो सपने पूरे नहीं होते, तो फिर उसको सुनाते हैं मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, उस टाइम तक वक्त पूरा गुजर। अब बात करते अपने बिजनेस की, यहाँ के ऊपर लोग फेल क्यों होते हैं जानना चाहते हैं? Yes. सबसे बड़ी वजह, जैसे एक बच्चे को माँ जन्म देती है, उसे कर्ज देती है, पता है माँ कैसे जन्म देती है, एक बच्चा उसकी माँ के कोख में 9 महीने तक पलता है, 9 महीने तक वो माँ उसकी लाते भी खाती है पेट के अंदर, ऐसे ऐसे मतलब माँ तकलीफ झेलती है कि उसके कुछ ऐसी चीजें खाने को मन करता है, सुनते हैं कि मिट्टी भी खा लेती है माँ, कोयला भी खा लेती है, चौक भी खा लेती है, कचरा भी खा लेती है, उसको मन में ऐसे आता है, फीलिंग आती है, ऐसे लोग बच्चे जब पेट में था तब की बता रहा हूं आपको, मतलब कैसे कर झेलती है, फिर बच्चे को जन्म देती है 9 महीने बाद, तो 9 महीने का जो दर्द है वो एक माँ जान सकती है, हम नहीं जान सकते, पर जन्म लेने के बाद जब बच्चा उसकी कोख से बाहर आता है, पेट से बाहर आता है, तो कहते हैं कि एक इंसान को अगर 10 डेसिबल का अगर दर्द सहन करने को मिले तो उसकी डेथ निश्चित तौर पे हो जाए, अगर एक आम इंसान को 10 डेसिबल का भी अगर दर्द सहन करने को मिले तो उसकी मौत निश्चित है, पर एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो 12 डेसिबल का दर्द भी सहन कर लेती है, 12 डेसिबल, फिर भी वो जिंदा, क्यों? क्योंकि वो 9 महीने की जो तड़फ है, जो 9 महीने का दर्द है, वो तड़फ, वो दर्द उसको इतना मजबूत बनाता है, इतना स्ट्रॉन्ग बना देता है, जो कोई तड़पना भी नहीं, उसकी तरह इमोशंस इस कदर उसके अंदर आ गई हो जाते, वो क्या करता है देखो, जैसे बच्चे माँ के पेट में बच्चा आता है तो माँ क्या करती है, एक अपने बेडरूम में एक पोस्ट लगाती है, जैसे लो बच्चे पोस्ट लगाती है, फोटो लगाती है, कैसे कि मेरा बच्चा ऐसा ही हो, उसको महसूस करती है, उस पर हाथ घुमाती है, उसको फीलिंग लेती है, बच्चा नहीं है, बच्चा पता नहीं कहाँ पेट में है, लड़का है लड़की मालूम नहीं, पर उसका एक महसूस करती है कि मेरा बच्चा ऐसा होगा, उसके मतलब हाथ भी घुमाएगी उस पर, फोटो भी किस भी करेगी, उसको देखेगी भी, सुबह भी देखेगी, शाम को भी देखेगी, सब कुछ करेगी, उसकी सिर्फ फीलिंग लेती है, तो ऐसे कष्ट झेलने के बाद, फीलिंग आने के बाद उसके इमोशंस जग जाते हैं,
और फिर वो एक इतना बड़ा झटका भी वो दे देते, ये दर्द भी झेल जाती जहाँ पे आम इंसान नहीं झेल पाता, फिर डेथ है, फिर उसके ऊपर वो झटका, लेकिन 12 डेसीबल का दर्द भी वो सहन कर जाता, तो दुख तब नहीं होता, तब तो मां बहुत खुश होती है। दुख पता कब होता है? दुख तब होता है जब बच्चा बड़ा हो जाता है और मां बोलती बेटा ऐसा कर ले, बच्चा बोलता ना ऐसा कैसे कर लो, मैं समझदार हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मेरे अंदर टैलेंट है, योग्यता है, मेरे अंदर हुनर है, तो बच्चा उसकी बात नहीं, तब उस बाप को दर्द। और फिर आगे पता नहीं कैसे क्या रसना रसती है, कि ऐसा भी आप हम लोग सुनते हैं कि बड़ा होकर माँ बाप को लोग अलग कर देते हैं, घर से निकाल देते हैं, कई बार कई माँ बाप वृद्धाश्रम में चले जाते हैं, तो उस टाइम भी माँ बाप सोचते हैं खास मेरे औलाद होती भी नहीं तो अच्छा होता। पर मेरा कहने का मकसद वो नहीं, मेरा कहने का मकसद ये है कि एक इंसान किसी के लिए तड़फता है, दर्द सहन करता है, उसको फीलिंग लेता है, महसूस करता है, पर रिबिट में क्या मिलता है पता नहीं क्या मिलता है। अब हम बात करते हैं अपने धंधे की, एक आम इंसान क्यों फेल होता है, क्यों बड़ा नहीं बनता, क्यों यहाँ पे एक अच्छी लाइफ नहीं जीता। आप लोग आए हो बहुत अच्छी बात, आप खाने में आए हो, यहाँ पे दुनियादारी देख रहे हो, अमीर लोग आते हैं यार जिनके पैसा करो जेब में भरा होता है, वो लोग यहाँ पे आते हैं इंजॉयमेंट करने के लिए आते हैं, समुद्र में घूमने के लिए आते हैं, लाइफ जीते यहाँ पे, चार दिन यहाँ पे वो अपना जो भी उनका इंजॉयमेंट है, चाहे वो बियर का हो, चाहे दारू का हो, चाहे घूमने का हो, फिर नहीं जो भी वो करते हैं इंजॉयमेंट अलग बात है। पर ये सब कुछ दुनिया देखने के बाद एक गरीब इंसान वापस जाके अपने हिंदुस्तान तो फिर फेल हो जाता है, फिर आगे नहीं बढ़ पाता। पूछो क्यों, पूछो आवाज में है क्या, बताओ बताओ, अपलाइन डाउनलाइन एक माँ बेटे का रिश्ता है, अपलाइन डाउनलाइन एक माँ बेटे का रिश्ता है। जिस तरीके से एक माँ जन्म देती है ना, ऐसी अपलाइन एक बेटे को एक फ्रेश को जन्म देता है। सुनना बात मेरी, वो बच्चा गरीब होता है, साइकिल पे होता है, अपलाइन की जिंदगी मर्सिडीज में होती है, रेंज रोवर में होती है, और बच्चे का हाथ पकड़ता है गरीब इंसान का, वो गरीब इंसान हाथ पकड़ के उसकी साइकिल खड़ी करा के इमोशन उसके अंदर जगा के अपने साथ अपनी गाड़ी बिठाता है, चल बेटा मैं तेरे साथ, चल तुझे दिने दिखाता हूं, चल तुझे लाइफ दिखाता हूं, चल तेरे को बड़ा इंसान बनाता हूं। और इंसान मांगता है, ऐसे नहीं मांगता समझदार, सही बात है, वो इंसान करते जाते होता है, जैसे ही टोपाज बनता है जैसे ही वो रुमिस्टर बनता है, हार्मोन्स चेंज, बोलो बोलो हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं, हार्मोन्स बदली होने स्टार्ट होते हैं। तू मुझे सिखाएगा, तू मुझे बताएगा, तू दसवीं पास बारहवीं पास मेरे पास डिग्री है, मैं पढ़ा लिखा हूं, मुझे बताए काम कैसे करना है। वो तो अपलाइन तो बेचारा बाप या माँ होते हैं, वो तो माँ का रोल अदा करते हैं, वो बेटे की हरकत देख के समझ जाते हैं कि बेटा का हार्मोन सभी बड़ा हो रहा है, समझ जाते हैं। तो बच्चे को नहीं मालूम होता किसके लिए। तो मेरे दोस्त ये हार्मोन आपके टोपाज बनने पे रुबिस्टा बनने, आप अभी इससे बोलूंगा आप सभी लोग टोपाज अच्छी करो, ये से लोग अभी कभी पहुंचे हो ना, पर मेरे दोस्त उस माँ बाप को मत बोलना जिनको तुम्हें इमोशन दिया है, उस माँ बाप को मत बोलना जिन्होंने तुम्हें चलना तुम्हें जिंदगी दिखाई है, तुम्हें अच्छा बुरा बताया है कि क्या तेरे लिए अच्छा है क्या तेरे लिए बुरा, ये प्रक्रिया है दुनियादारी।
तुझे वो माँ तो नहीं बिकती, नो मैंने पेट में रखा, पर माँ से कम भी नहीं है, अपना माँ से कम भी नहीं है। एक माँ है वो जन्म देती है, और एक ये माँ है जो जीवन जीना सिखाती है। क्या करेंगे बुरा है, कौन तेरा पड़ोसी सही है, कौन तेरा पड़ोसी खराब है, सब माँ समझाती है। किन से तुझे दूरी रखनी है, किन से नजदीक आना है, कौन तेरा अपना है, कौन तेरा बनते साला में साथ होंगे प्रॉब्लम यहां पे ऑलमोस्ट चेंज हो गया, मैं बड़ा बन गया। अप्लाई डाउनलाइन के लिए मेरे वर्ड आया, टाइम मेरे पास बहुत कम है क्योंकि राज्य सरकार समय भी है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं एक बात, करोड़ों रुपए की लाइन है, अरबों रुपए की लाइन है, याद रखना मेरी बात, इस आयरन कर दीजिए। लाइन ये है कि अप्लाई डाउनलाइन रिश्ता है कि अगर आपको कोई भी बात हो जाती है, तो मत मन भेद मत भेद लड़ाई लड़ाई कुछ भी अप्लाई डाउनलाइन हो जाती है, कुछ बात हो जाती है, तो लाइन ये है कहते हैं कि अगर आपको अपने डाउनलाइन की तरक्की के लिए, अपने अप्लाइन तरक्की के लिए, अपने अपनों के रिश्ता बचाने के लिए अगर तुम्हें झुकना पड़े तो झुक जाए, तुम्हें झुकना पड़े अगर एक अगर एक रिश्ते को बचाने के लिए तुम्हें झुकना पड़े तो झुक जाया करो, तुम्हें माफी मांगना पड़े तो माफी भी मांग लिया करो, कोई बड़ी बात नहीं है। पर मेरे दोस्त बार बार तुम्हें ही झुकना पड़े तो फिर रुक जाया करो। रिश्ता बचाना ठीक है, बार बार हमने जन्म दिया यार, रोड पैदा कर देंगे, समझा रही मेरी बात, एक बच्चा पैदा किया तो और बच्चे भी पैदा, फिर बोलोगे कि सर फिर पता क्या बोलते हैं कि माँ बाप का लाडला बेटा छोटे वाला होता है, ऐसा होता ना समाज के अंदर है ना, बड़े क्यों नहीं होता, बड़े वाला के हाल को चेंज हो गए, छोटे वाला बात मान लेता है, हालांकि मैं बड़ा हूं, सही तो मेरी बात समझ आ रही है आपको। तो अपने आप को हमेशा जीरो मानना मेरे दोस्त, अगर बड़ा बनना है कभी हीरो मत मानना, अभी तो मैंने भी कुछ नहीं सीखा है, सही पूछो तो मैं मेस्टर तक पहुंच गया मुझे नहीं मालूम, आप लोग मेरे साथ में खड़े हो तो मुझे अंदर मुझे बातें आ जाती है, गुरु जी का आशीर्वाद मिल जाता है, इस वजह से एक ताकत बन जाती है, और इस ताकत की वजह से एक आम इंसान होके 17 लाख रुपए महीना कमा जाता हूं, इस ताकत की वजह से एक आम इंसान होके एक आर्मी वाला होके एक साइकिल वाली जिंदगी एक बाइक वाली जिंदगी से निकल के आज दुनिया की सबसे बड़ी कार जिसमें देश का प्रधानमंत्री चलता है रेंज रोवर वॉक उसमें मैं भी चल जाता हूं, आज रेंज रोवर वॉक जैसी गाड़ी है, मर्सिडीज जैसी गाड़ी है, ये पावर मेरी नहीं कि मैं मेरी पावर में बड़ा बन गया साफ बन गया, मैं बिल्कुल साफ नहीं हुआ, अभी तो कुछ भी नहीं देखा है, कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ ये है थोड़ा सा गरीबी रेखा को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसी में लगे हुए अभी खड्डे भर रहे हैं पुराने वाले गरीबी वाले, वो भर को भर भी दिए, और इस यही वजह है कि आज जयपुर जैसे शहर के अंदर लोगों के घर में रहने का घर तक नहीं होता, और आज आपके भाई के पास घर के अलावा जीने के लिए 5 करोड़ का फार्म हाउस बना हुआ है। पावर मेरी नहीं है, पावर मेरी है, ये पावर इस रास्ते की है, इस प्लेटफॉर्म की है, हमें यहां तक पहुंचाया है, यहां तक बनाया है। तो मेरा कहने का मकसद है मेरे दोस्त, आप शेर के बच्चे हो, किसके बच्चे हो, शेर के बच्चे हो, शेर बहुत शेर शेर बब्बर से दहाड़ मार दिया ड्राइवर का बनने का मौका दिया है, यस या नो, हमारी कुछ सेवकें भी बैठी आगे ऊपर, कहां है विनीता बहन हमारी, ये दोनों ताले बहन के लिए मैं कल सुनवा करके अन्य लोगों से बात करने नंबर भी ले रही थी, तो बैठो, मेरा कहने का मकसद क्या है, जिंदगी हमें मौका देती है, यस या नो, कि मौके को चौका में कन्वर्ट कर दिया करो यार, गरीब इंसान ईगो ईगो मत दया करो, बड़े दिन बड़ा बनना चाहते हो, बड़ा बनने के लिए अगला जो मेरा पाठ है, अगला जो मेरी बात है वो है ड्रीम,
टेंशन बड़ा कैसे बनता है, क्या ताकत है, क्या पावर है कि एक ही काम को बहुत सारे लोग करते हैं और बहुत सारे लोगों के अंदर कुछ लोग तो बड़े बन जाते, कुछ लोग वही हो जाते। वो वजह क्या है? वो वजह है ड्रीम। क्या ड्रीम? क्या है ड्रीम? सपने। ड्रीम जब इंसान के पास में होते हैं, सपने जब इंसान के पास में होते हैं, तो उसको उसके अंदर एनर्जी आती है, उसकी ताकत आती है, उसको कर कुछ कर गुजरने की क्षमता उसके अंदर जग जाती है। तो ड्रीम पे हम बात करने वाले हैं आज आपसे। देखो एक इंसान रूपी जीवन में आ गए हैं ना, तो ये तो पक्की बात है ड्रीम सबके पास है। ऐसा नहीं कि ड्रीम किसी के पास, ड्रीम सबके पास है। पर ड्रीम से कुछ नहीं होगा मेरे पास जब तक ड्रीम पे एक्शन नहीं होगा। ड्रीम आपका रियल नहीं होगा, ड्रीम आपका इमोशन नहीं होगा। ड्रीम जो आपका है, सपना जो आपका है, वो ऐसा सपना आपका ऐसा होना चाहिए जो इमोशन कनेक्टेड हो, जिसके जिस सपने के लिए आपकी रात की नींद उड़ जाए, जिसके अंदर आपकी बर्निंग डिजायर आपके अंदर हो, आपका गोल हो, आपकी ताकत बन जाए वो ड्रीम, आपको चेन ना लेने दे वो ड्रीम, आपको रेस्ट ना करने वो दे ड्रीम, आपको बड़ा बनने में हमेशा प्रेरित करता रहे वो आपका ड्रीम, तो बड़ा नाम कमा पाओ। तो ड्रीम ड्रीम देखो हर इंसान ड्रीम के लिए काम करता है, बस फर्क है कुछ अपने ड्रीम के लिए काम करता है, कुछ लोगों के ड्रीम के लिए काम करते जरूर है इंसान। एक मजदूर इंसान रूपी जीवन में है मेरे दोस्त, अगर मजदूरी मजदूर कर रहा है, अगर वो तसला ढो रहा है, वो बजरी ढो रहा है, वो सीमेंट ढो रहा है, तो उसके ड्रीम है नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, पर जिसके लिए ढो रहा है उसके ड्रीम पक्का है। तो किसी ने ड्रीम लिया होगा कि मुझे बड़ा घर बनाना है, बड़ा बंगला बनाना है, बड़ा फार्म हाउस बनाना है, उसके ड्रीम के लिए काम कर रहा है। कोई गवर्नमेंट जॉब में है तो उसके अधिकारी के लिए वो काम कर, उसके ड्रीम है, उसको प्रमोशन चाहिए, उसके लिए काम कर रहा है। कोई प्राइवेट जॉब में तो उसकी फैक्ट्री के लिए ड्रीम है, फैक्ट्री के मालिक के उसके लिए वो काम कर रहा है। यस है वो कर रहा नहीं कर रहा? तो मेरे दोस्त जब लोगों के लिए हम काम करते हैं, शोर के लिए हम काम करते हैं, तो हम उनके सपने पूरे करवाते हैं, हमारा सपने क्या होता है? क्योंकि हमारे पास ड्रीम ही नहीं, हमारे पास डिजायर ही नहीं, हमें कभी सोचा ही नहीं उसके ऊपर, हमारी कभी नींद नहीं उड़ी। अरे हम नौकरी नहीं कर रहे मेरे भाई, नौकरी वाली दुनिया नहीं है जहां आपकी 8 घंटे में खत्म हो जाती है। नौकरी में क्या होता है मालूम? अगर 8 घंटे की ड्यूटी होती है और जैसे ही 7:30 घंटे होता है बंदा घड़ी देखने लगता है, 7:30 घंटे हो गए और तो मेरा 1/2 घंटे में निकलने वाला, 15 मिनट रही है, 10 मिनट रही है, 5 मिनट रही है और निकल। और उसका जो मालिक होता है ना, जो बॉस होता है, जो मालिक ओनर बोलते हैं, उसका कोई टाइम टेबल नहीं। उसको रात को 2 बजे मिल गया ना टास्क, मेरी फैक्ट्री में रात को 2 बजे ये काम होना है, तो उसका मालिक रात को 2 बजे भी वो काम करने निकल जाता है, कोई टाइम टेबल नहीं। आज एसली प्लेस जैसी कंपनी हमें जो मिली है जाने अनजाने के अंदर, मेरी बात समझ आ रही है? पता आप क्या हो इस कंपनी के अंदर? आप मालिक हो, मालिक नौकर नहीं हो आप। इसीलिए बोल रहे सबसे दुनिया का खूबसूरत बिजनेस है, जहां गरीब इंसान को बिना पैसा लगाए हुए, बिना फैक्ट्री लगाए हुए, बिना ये काम काम लगाए हुए और मालिक बनने का मौका दे दिया। अरे क्या लगाया बताओ आज फिर हमने क्या लगाया? कुछ लगाया क्या? अरे 15,000 प्रोडक्ट लिए होंगे, 20,000 के लिए होंगे, क्या होगा? वो लिए हमारे यूज के लिए लिए है, हमारे पास हमारे काम के लिए। ये प्रोडक्ट का बिजनेस नहीं है, ये प्रोडक्ट बिजनेस है नहीं, गलत फहमी में है, ये ड्रीम का बिजनेस है। जिसके ड्रीम होते हैं वो इंसान बड़ा काम कर पाता है। ड्रीम का बिजनेस है, प्रोडक्ट एक जरिया है, प्रोडक्ट एक माध्यम है जिससे आगे बढ़ना है, जिसके जरिया है। अरे मर्सिडीज कैसे बड़ी बनती है ब्रांड? मर्सिडीज गाड़ी ओनली फोर्स का प्रोडक्ट, मारुति का प्रोडक्ट,
Adidas is a product. Reebok only for product. और बड़ा बनने के लिए जो कंपनी में बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, धन्ना सेठ बोलते हैं अपने, वो बिजनेस माइंडेड लोग हैं मेरे भाई। आज के बाद आप ये समझो, आप एक बॉस हो, बॉस ओनर कंपनी। इस कंपनी क्या है? आपकी आईडी, जो डीएस आईडी है ना आपकी, जो गलती से आपको मिली हुई है, डिस्ट्रीब्यूटर कोड मिला हुआ है, गलती बोलूंगा, आप समझ नहीं पा रहे उसकी पावर। आपकी आईडी आपकी कंपनी है। इस आईडी के ऊपर क्या हो रहा है छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है। अरे मोदी क्या कर रहा है मुझे क्या करना यार, राहुल गांधी क्या कर रहा है मुझे क्या करना, विराट कोहली क्या कर रहा है मुझे, घर में पैसे आएंगे क्या? हम फालतू की बातें करते हैं, मोदी क्या कर रहा है, राहुल गांधी क्या कर रहा है, सोनिया गांधी क्या कर रहा है, केजरीवाल क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। अरे क्या करोगे उससे, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी मेरे भाई। आज के बाद इस थाईलैंड की धरती जाने के बाद में आपकी डीएस आईडी जो है वो आपकी फैक्ट्री है। फैक्ट्री, इस फैक्ट्री के अंदर जो कच्चा माल आता है, कच्चा माल ये पब्लिक है, पब्लिक कच्चा माल दो आते हैं, ये लोग जो जुड़ते हैं हमारे साथ में, फ्यूचर लगाते हैं, वो कच्चा माल है। उस कच्चे माल का बोलते वो बकरी का बच्चा है, उसकी गर्दन पकड़ा करो और उसको आईने में दिखाया करो, तो शेर का बच्चा, शेर का बच्चा। क्यों? क्योंकि वो जो था ना अभी तक था वो कच्चा माल, आज के बाद आपका फैक्ट्री का मैनेजर है वो, आपकी आईडी का मैनेजर है वो, आपका कर्मचारी है वो, उसकी केयर करा दो, उसके ध्यान रखा दो, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। क्योंकि आपकी डीएस आईडी के लिए जितना नीचे ट्रैफिक आएगा, जितने लोग आएंगे, वो लोग ही आपको बड़ा बनाएंगे। जितना ट्रैफिक आप लेकर आते, जितने लोग आप लेकर आते, फिर होगा कब? जब अपनी कीमत आप मालिक बनोगे तो। आपकी तो मेरे में वो चलती है ना, मैं तो प्लान के लिए काम कर रहा हूं, धन्यवाद। मेरा बापू कमजोर, मेरी माँ कमजोर, क्या फायदा रोना रोने से, कोई फायदा है क्या? मेरा है क्या? बापू बोला थैंक यू पिताजी, धन्यवाद माताजी, मुझे पैदा कर दिया, अब तुम्हारा बेटा इस शेर का आपको दिखाएगा। अपलाइन को बोला थैंक यू सर, धन्यवाद, आपने बस मुझे ये रास्ता दिखा दिया, बस अब शेर का बेटा है, अभी धाड़ मारेगा और अपना नाम बढ़ा लेगा। ऐसे लोग होगा कब? होगा जब अपनी ताकत को पहचानोगे, अपने मालिक को पहचानो, मैं मालिक हूं उसका, आपकी डीएस आईडी। इसके लिए टाइम टेबल नहीं कि 12 घंटे काम करूं मैं, 4 घंटे काम करूं मैं, 2 घंटे काम करूं कभी, संडे करूं मंडे करूं। अरे मालिक संडे मंडे करता है क्या? 24 आवर्स है, जब टाइम से भी काम स्टार्ट है, कोई संडे कोई मंडे कोई ये टाइम टेबल नहीं होता। अभी हमारे सीवन सर बैठे हैं आगे ऊपर, जोड़ तालियों के लिए, डायमंड बन गए, नए डायमंड हो गए। इनसे पूछो आप काम कैसे होता है, मेरे टच में रहते हैं, मैं बताऊं काम कैसे होता है, इनसे पूछो। मैंने के एक महीने में कम से कम बता रहा हूं 26 से 27 दिन घर से बाहर होते, 26 से 27 दिन इनका प्लान के साथ में रहते हैं, प्रदीप रघुवंशी के साथ में, तब बनते हैं सर। उसकी लेग चल गई, उसका एक लेग चल गया, उसका आधा लेग चल गया, दोनों लेग चलाई है, तब यहां पे बने गरीब इंसान आज बैठा है फॉर्च्यूनर के अंदर, हम भी गर्व होते हैं बताते हैं। यस सर, तो मैं कहता हूं यार कोई बड़ा काम मुश्किल नहीं है, कि मुश्किल काम है कोई, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। आपको ड्रीम होना चाहिए,
आपके अंदर ड्रीम होना चाहिए, क्योंकि कोई लेट बनेगा कोई जल्दी बनेगा, ये प्रोसेसिंग है। कोई जल्दी बनेगा कोई लेट बनेगा, प्रेस की प्रेस में काम करते रहोगे पेमेंट जरूर मिलोगे, काम करते रहोगे लगे रहोगे। अपने मालिक बने हो आप, कोई आपके बॉस नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। अपलाइन के पास सर सब भी बोलता है, अपलाइन आपके हमेशा साथ में खड़ा रहता है, पर आपको अपनी ताकत को पहचानना होगा मेरे दोस्त। यस या नो? तो ड्रीम जो बनते हैं, ड्रीम ड्रीम है क्या? ड्रीम की परिभाषा बता दूंगा आपको मैं, किसी ने बताई नहीं होगी मुझे काल से, आज हम ड्रीम परिभाषा क्या है। ड्रीम है क्या पहले समझो, ड्रीम आपका लक्ष्य है, ड्रीम आपका गोल है, ड्रीम आपका टारगेट है, ड्रीम आपका सपना है जिसको पाना चाहते हो। आपस में कोई चीज कमी है, तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है, आपकी बाइक पे जिंदगी में आपका ड्रीम आपकी कार है, आपका घर छोटा था आपका घर बड़ा आपका ड्रीम है। अपने ड्रीम सब कपड़ा लग रहे होते हैं, किसी की इज्जत से मान सम्मान कोई पहचान रखा सबका नजरिया है। तो जो आप ड्रीम चाहते हो ना, ड्रीम ड्रीम की परिभाषा क्या है जानना चाहते हो? yes. एक बोलो बताओ बताओ आवाज नहीं आई यार। थाईलैंड की धरती पे ड्रीम की परिभाषा बता रहा हूं, आवाज कैसे होनी चाहिए? ऐसी प्लस कंपनी इंडिया में सुन लेनी चाहिए। बोलो बताओ बताओ ड्रीम की परिभाषा क्या है? मैं बड़ी कहीं से खोज खाज के लेकर आया हूं आपके लिए बड़ा। ड्रीम की परिभाषा यह है कि वर्तमान में प्रेजेंट टाइम वर्तमान में असंभव सा लगने वाली कोई भी चीज प्रेजेंट टाइम है। प्रेजेंट टाइम में बोलते हैं वर्तमान में असंभव सी लगने वाली कोई चीज जो असंभव लगती है, असंभव है नहीं असंभव सी लगती है, उसको पाना ही आपका ड्रीम है। तो प्रेजेंट टाइम में मुश्किल लगती है, क्या लगता है? मुश्किल। अभी आप परिवार साथ में स्विट्जरलैंड नहीं गए, मुश्किल है। सिंगापुर नहीं गए, मलेशिया नहीं गए, या पास में मर्सिडीज नहीं है, ऑडी नहीं है, जगुआर नहीं है, मुश्किल है। बड़ा घर नहीं है, ये मुश्किल हो सकता है। वो वर्तमान प्रेजेंट टाइम आज लगता है कि मैं कैसे 18 लेवल पार करूंगा, कैसे मैं यहाँ पे एपेंस बनूंगा, कैसे मैं पे, ये मुश्किल सा है, मुश्किल है नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एमएस तुम क्या नहीं, यहाँ पे रॉयल एमएस लोग बनके खड़े हुए हैं। मुश्किल है, ऐसे में ऐसा लग रहा है, मर्सिडीज नहीं, यहाँ पे लोगों पास में मर्सिडीज के बाप रेंज रोवर वो कैसी गाड़ियां इस कंपनी में, ऐसे लोग घर नहीं है, लोगों में फार्म हाउस बने हुए, फार्म हाउस जहां लोग इंजॉय करते हैं, स्विमिंग पूल उसके अंदर है, पिक्चर हॉल उसके अंदर है। तो ड्रीम होता जो मुश्किल सा लगता है वर्तमान में, उसको पाना ही आपका ड्रीम। तो आपका जो भी वर्तमान प्रोजेक्ट है, आपका सपना, आपका ड्रीम है, उसको आपको उसके लिए आपके अंदर आग हो चाहिए। आग क्या मुझे करना है, क्या मुझे बनना है, ये जर्नी अपनी स्टार्ट हुई अभी थाईलैंड के अंदर। ये दुनिया नहीं देखी आपने, इतना साल उतनी इतु साल इतनी सी धरती इतनी सी जगह देखी मामूली सी, इतनी सी सभी इतनी सी में कुछ नहीं देखा आपने अभी। तो थाईलैंड में तो मतलब एक पता है, एक शहर है, जैसे हमारे समझ लो हम राजस्थान में रहने वाले हैं, तो राजस्थान में आपने चूरू देख लिया, क्या राजस्थान देख लिया क्या? अभी तो जयपुर, जोधपुर, अजमेर, पाली, जैसलमेर सब बाकी पड़ा है। ऐसे लोग उसी तरीके से क्या देखा भी आपने, इतना सब पता है देखा है। अभी तो पुकेट बाकी पड़ा है भाई, जो लग्जरी फीलिंग है, लग्जरी लाइफ है आप पुकेट के अंदर, उसी थाईलैंड के अंदर रहे हैं। मैं नहीं गया, मैं भी नहीं गया, आप ना जाओ पर जाएंगे जरूर, क्योंकि मुश्किल है पर नामों की नहीं है। ठीक है, तो ड्रीम जो होता है असंभव से लगने वाली कोई भी चीज जो असंभव से लगती है वर्तमान में, उसको पाना ही आपका ड्रीम की नहीं आपके काम करता है। वो ड्रीम ही है जो आपको बड़ा बनाएगा, ड्रीम ही है जो आपको आगे लेके चलेगा। देखो
तुम्हारी क्या है, धरना चाहते हो? एक कहानी सुनाता हूं, छोटी सी कहानी है। एक जंगल था, जंगल के अंदर एक शेर था। तो शेर भूखा था, जैसे उसकी नजर उस पर पड़ी किसी जानवर, मानो हिरण था, हिरण पे नजर पड़ी तो शेर हिरण की तरफ लपका अपना पेट भरने के लिए, भोजन के लिए, अपने खाने के लिए। तो जैसे ही हिरण को महसूस हुआ कि शेर मेरी तरफ आ रहा है मुझे खाने के लिए, शेर वहां से, हिरण वहां से भाग गया शेर उसके पीछे। अब शेर ताकत लगा रहा पकड़ने के लिए और हिरण भी ताकत लगा रहा पकड़ने के लिए। तो भागते रहे भागते रहे भागते रहे भागते रहे, 4-5 किलोमीटर भागे, उस अंदर एक जंगल सा था, झाड़ियां थी, उस झाड़ी के अंदर हिरण अंदर घुस गया। अब झाड़ियां घनी थी, हिरण तो कैसे भी घुस गया। अब परेशान था, दोनों हाथों हाथ दोनों फुल थके हुए थे। अब शेर, वो जो शेर झाड़ी में जा नहीं रहा, उसे काटते वाटे देखकर रुक गया, हिरण बेचारा अंदर चला गया। तो झाड़ी में बिल्कुल गहरी झाड़ियां थी कांटों वाली, शेर हाँफ रहा है हाँफ रहा है, हिरण हिरण भी एकदम रुक गया, आगे जा नहीं पा रहा। एक पर वो अंदर पहुंच गया झाड़ियों के अंदर। जब अंदर पहुंच गया तो पीछे मुड़ के देखा तो उसकी हिरण की आंखों में आंसू थे, हिरण की आंखों में आंसू। तो शेर बोला कि हिरण भाई बात बताया, मैं जंगल का राजा, मैं ताकतवर हूं, बलशाली हूं, लोग डरते हैं मेरे से, ऐसे ही लोग मर जाते हैं मेरे नाम सुन के, और तू बच कैसे गया? अगर मेरी बात समझ में आए तो जोर से ताली बजाना ना छोड़ो, वेट करो, इंतजार करो। तो उस हिरण ने बड़ा मासूम सा जवाब दिया, पता क्या बोला? कि शेर भाई, आप जो भाग रहे थे ना वो लंच के लिए भाग रहे थे और मैं अपनी लाइफ के लिए भाग रहा हूं। आ गया,
मैं तो भाई आग लगाने वाले तो मुझे चाहिए चाहिए, मैं खुद ही आग में आग चला था और आग मिल जाएगी अच्छी बात है। तो मैं लोग से फ्री हुआ, 5 बजे मेरे ऑफिस निकला, मैंने फोन किया कि भाई कहाँ आना है, तो उन्होंने बोला कि भाई जयपुर में विद्याधर नगर के अंदर आना है। मैं विद्याधर नगर पहुंच गया चोर से सर का, तो मैं विद्याधर नगर पहुंच गया सर। विद्याधर नगर पहुंचा तो मैं बंदे बोला सर वो वहां पे घर है उस कॉलोनी के अंदर, वहां चलना है, उसको काम दिखाना है। बंदा बहुत मैं दिल के आ गया, बहुत बंदा बोलता है सर अच्छा लगेगा तो कर लेंगे। मैं बोला चल भाई मैं तो तैयार हूँ। मैं गया उस अंकल जी से नमस्ते वमस्ते करे, अंकल जी पढ़े लिखे थे पर बुजुर्ग थे पर अच्छे कोई रिटायर्ड पर्सन थे। तो मैंने जाकर अपना बताया उनको सब कुछ, सर ये डिंग 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 डिंग, तो अपना प्लान दिखाते, बोलते बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब जो बोलते बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो मेरी तो रोज जोश आए, तो आज तो अपना काम हो गया, तो जल्दी आ गई काम पक्का हो गया। जब मैंने बोला सर ये प्रोडक्ट इंग्लैंड हो गया, ये अस्त्रों में काम आता है, एलर्जी में काम आता है, इंग्लैंड और बहुत बढ़िया सर, ये थंडर ब्लास्ट है, ओ थंडर ब्लास्ट भी है उसे काम होता है, ओ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये डायमंड हो गया, ये स्टोन हो गया, इसमें बहुत बहुत तो इस काम में पैसा भी है, पैसा भी, अरे वाह बता बता दिलीप जी पैसा क्या है, उसने ये प्लान है इसमें ये 2.5 जा रहा है, ये 10 जा रहा है, ये 20 जा रहा है, इतना जा रहा है, ये लाख है, तो करोड़ है, ऐसे 50 करोड़ 70 करोड़ का प्लान है, ओ 70 करोड़ वाह 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 सर, इसमें थाईलैंड है, मलेशिया हो, थाईलैंड भी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अब सारा बढ़िया बढ़िया बोले, मेरे अंदर जोश आ जाए मोर जोश आ जाए, ऐसा करके पूरा प्लान दिखाया। लास्ट बोला सर ये फॉर्म है, एक किट है एजुकेशन का, इसे 600 रुपये लगने हैं, इसका आप मुझे पेमेंट कर दो, ये भर के आप साइन कर दो, आपका काम करते हैं, आइडिया रहते हैं, आज के दिन बढ़िया दिन है, ये करते हैं, डिंग 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 मैंने किया। उसने वो मेरा जो किट था जिस किट था उस किट को लिया, वो साइड में रखा, रखने बाद में बोला दिलीप जी आप बोल रहे थे आप फौजी आदमी थे वहां से, बिल्कुल बोले एक बार बताओ फौज में छुट्टी कितनी आते थे साल के अंदर, सर 3 महीने की, अब बोला सर 3 महीने आते तो परिवार से मिलते थे, मैं बिल्कुल, बोला सर वो आर्मी थी आपको साल में 3 महीने के लिए छोड़ दिया करती थी, ये जो काम कर रहे हो ना ये आयुर्वेदिक वाला ये दवाई सवाई वाला, अगर इस उम्र में मर गया ना सर आपको हो जाएगी 16 साल की जेल, और जेल तो होगी कोई बात नहीं, कोई मिलने भी नहीं आएगा, कोई मिलने भी, अब भाई मैं गया था समझाने के लिए और मैं समझ के अब आगे नेगेटिव हो गया, अब मैंने फोन बंद कर लिया, घर में आए घर में चेहरा उदास, भाई बोले क्या हो गया, मैं बोला भाई देख मुझे जेल नहीं जाना, वो बोला क्या हो गया, जेल तुम्हें कौन भेज रहा है, बोला ये काम करेंगे मरमरा के जेल जाएगी मेरी, तो बोला मैं तो पहले ही बोल रही थी काम मत करो, वो डाल गया हम तो गेट थे तो पॉजिटिव गेट समझाने में समझ के ऐसा होता है जी? पर हमारे थैंक्स बोलता हूँ हमारे पेरेंट्स को, धन्यवाद बोलता हूँ हमारे गुरु को, हमारे मेंटर जिन्होंने हमें फिर पकड़ के दिखाया घर तक, देख किस शेर का बच्चा है, फिर उन्हें ज्ञान दिया कि बेटा आयुर्वेद का बना नहीं, आज तक ये वो पूरा लॉजिक समझाया था सुन आया, और दोस्तों उसके बाद कभी नेगेटिव नहीं हुआ, और आज आपका भाई इन्वेस्टमेंट का भी खतरा होगा। मेरा कहने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है, समझाने का मकसद आपको ये था कि आप शेर के बच्चों सही है, तो शेर के बच्चे जानते हैं रिस्क क्या लेते हैं, रिस्क लेते हैं क्या लेते हैं रिस्क, तो रिस्क थोड़ा बढ़ा ले लिया करो यार, ये क्या नौकरी नौकरी में पड़े हो गए लोग पार्ट टाइम काम कर रहे हैं इधर उधर कर रहे हैं, अरे रिस्क लो, रिस्क लोगे ना क्या होगा पता है, अगर समझ लो आप पास हो गए तो क्या होगा, बड़े बन जाओगे खुश हो जाओगे, मैं बताओ फेल हो गए कोई बात नहीं पड़ोसी खुश हो जाएंगे और क्या,